हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं एक अलंकार रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जो गाने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा अलंकार है। आपकी आवाज़ की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है इसके साथ। जिस तरह से मैं इसे गा रहा हूं और समझा रहा हूं, आप उसी तरह इसका प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। और दूसरा, हारमोनियम पर चूंकि मैं बजा के दिखा रहा हूं, तो ये हारमोनियम पर बजाने के लिए, बैंजो पर बजाने के लिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजाने के लिए भी बहुत ही उत्तम अलंकार है। उससे आपकी उंगलियाँ बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सकती है। तो दोनों बात इसमें शामिल है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुने। सबसे पहले बहुत ही धीमी गति से इसे प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले इसे याद करेंगे। इंस्ट्रूमेंट पर बजाने में भी उसे बहुत ही स्लो से तैयार करेंगे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे उसे स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैं इसे 2-3 स्पीड में आपको दिखाऊंगा, आप उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपके फ़ायदे में होगा, क्योंकि जब कोई भी अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है, आप समझ पाते हैं कि क्या लोड हुआ है संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल में। क्योंकि मैं इसमें जो कुछ भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति म्यूज़िक को थोड़ा बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करे। जिसके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो संगीत नहीं सीख पाते हैं, उन्हें भी संगीत हो सके, वो सीख सकें। जिस दृष्टिकोण से मैं ये डालता हूँ आपके लिए, तो आप इसकी तैयारी करें और अच्छे से उसे कोशिश करें गाने का या बजाने का, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट्स भी करना ना भूलें, और लाइक्स बटन जैसे आप दबाते हैं उस तरह दबाएं। आपके कमेंट से हमें बहुत ही उत्साह मिलता है काम करने का, और लगता है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो इसे देखें ध्यान से, और इसे मैं सी शार्प से गा रहा हूँ। ये इस तरह से है, सा रे सा गा रे सा रे गा रे मा गा रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी धा नी सा नी रे सा नी सा रे सा गा रे सा। ये हो गया आरोह। अब अवरोह, सा नी सा धा नी सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा मा गा रे गा सा रे गा रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। ये हो गया अवरोह। फिर से सुने, सा रे सा गा रे सा रे गा रे मा गा रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी धा
नी सा नी सा रे सा ग रे सा सा नी सा धा नी सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा मा गा रे गा सा रे गा रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। अब इससे डबल स्पीड में देखें ध्यान से, सा रे सा ग रे सा रे ग रे मा ग रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी धा नी सा नी रे सा नी सा रे सा ग रे सा सा नी सा धा नी सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा मा ग रे गा सा रे गा रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। अब इसके डबल, सा रे सा ग रे सा रे ग रे मा ग रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी नी सा नी रे सा नी सा रे सा ग रे सा नी सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा मा ग रे गा सा रे ग रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। अब उसके डबल, सा रे सा ग रे सा रे ग रे मा ग रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी धा नी सा नी रे सा नी सा रे सा ग रे सा नी सा धा नी सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा ग रे गा सा रे ग रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। कम से कम इतने स्पीड में आप इसको तैयार करें तो आपकी आवाज जो है निश्चित रूप से तैयार होगी। एक बार फिर से सुने, सारे सागर रे सारे घर रे मग रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा पा धा पा नी धा पा धा नी धा सा नी धा नी सा नी रे सा नी सा रे सागर रे सा नी धा नी पा धा नी धा पा धा मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा गा मा रे गा मा गा रे गा सा रे गा रे सा रे नी सा रे सा नी सा धा नी सा। और उसके बाद इसे और अगर आप तैयार कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु लयकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। सारे सागर रे सारे घरे मग रे गा मग प मग म प म ध प म प ध प नि ध प ध नि ध स नि ध नि स नि रे सा नि सारे सागर रे सा नि सा ध नि सा नि ध नि प ध नि ध प ध म प ध प म प ग म प म ग म रे गा म ग रे गा सारे घरे सारे नि सारे सा नि सा ध नि सा। और फिर जब आप उसे सरगम से अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, फिर उसे आ से भी प्रैक्टिस करना है, और वही स्लो से शुरू करेंगे। और जब आ से प्रैक्टिस करेंगे तो सरगम दिमाग में चलते रहना चाहिए अंदर, ठीक है। आ 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 जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हर आ पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, हर आ पर अलग से जोर देंगे, एक स्ट्राइक जैसा करेंगे। आ आ आ आ
जिससे कि आ का सेपरेशन जो है वो बिल्कुल बना रहे, जो गले में दाना बनना चाहिए वो कंप्लीट बनेगा। तो इस पर ध्यान देना है। अब देखें डबल में आ आ आ आ, 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 आ तैयारी करेंगे फिर इसके डबल और भी तैयारी करते जाएंगे, जितना अधिक संभव हो सके उसको धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे। परंतु ध्यान ये रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। जिस स्पीड में सही तरीके से स्वर आपका निकल पा रहा है, स्वर में हो पा रहा है और स्पीड भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उतने ही स्पीड में आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि फास्ट करने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब गलत तरीके से आप उसका प्रैक्टिस करते जाएं और फास्ट करते जाएं, तब निश्चित रूप से आपकी आवाज़ गलत तरीके से लगेगी, उस पर बेसुरा भी हो सकता है, डिस्ट्यून भी हो सकता है और रिदम लयकारी भी गलत हो सकती है, उसका लय भी जो है बिखर सकता है। तो उस सावधानी की बहुत ही ज़रूरत है। तो बहुत ही धीमी गति से इसका प्रैक्टिस करें और जो भी व्यक्ति इसको मन लगाकर प्रैक्टिस करेगा, धीरज रखकर प्रैक्टिस करेगा, तो मेरा मानना है कि वो उसकी आवाज़ निश्चित रूप से खुलेगी और उसकी तैयारी निश्चित रूप से बढ़ेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। इसीलिए खूब मन लगाकर आप प्रैक्टिस करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें ताकि और भी बहुत सारे लोग म्यूज़िक से जुड़ सकें, वो समझ सकें म्यूज़िक को और सीख सकें। हमें अभी म्यूज़िक में बहुत सारा काम करना है, हमें ऐसे लोगों तक म्यूज़िक पहुंचाना है जिन्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं इसीलिए म्यूज़िक को थोड़ा इस तरह से समझाना चाहता हूं ताकि हमारे ऐसे व्यक्ति भी जिनको म्यूज़िक से कोई संबंध नहीं है वो भी म्यूज़िक को थोड़ा सीख सकें और म्यूज़िक के गुणवत्ता को समझ सकें, म्यूज़िक के गुण को समझ सकें। क्योंकि संगीत जो है वो एक बहुत ही अच्छी कला है, बहुत ही अच्छी विद्या है ये। इसे जो भी व्यक्ति करता है उसके अंदर निश्चित रूप से आनंद होता है और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अनुशासन भी बहुत अच्छा बनता है, और जो म्यूज़िक को प्यार से करता है, जो म्यूज़िक करने लग जाता है उसके अंदर में निश्चित रूप से बहुत ही करुणा और प्यार धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति संगीत से जुड़ता है वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी हर बच्चे में संगीत से जोड़ना है, बच्चों को, बड़े बुजुर्ग जो भी व्यक्ति हैं सबको संगीत से हम जोड़ सकें, ये भावना है हमारी। तो इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें बताता हूं आपको ताकि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकें और लोगों को संगीत से जोड़ सकें। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह की चीज़ बहुत सारी चीज़ों को बताता रहता हूं और अपलोड करता रहता हूं आप सब लोगों के लिए, और आप लोगों का प्यार और स्नेह बहुत मिला है मुझे और हर हमेशा आपका कमेंट्स मिलता रहता है, आपको किस तरह आनंद आ रहा है सीखने में, तो उससे हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है काम करने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना कमेंट्स, अपना प्यार बना के रखें।
फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।